हेलो, मैं डॉक्टर आलोक, मुजफ्फरपुर बिहार क्लिनिक से। मेरे साथ पेशेंट हैं रूबी चौबे जी, जिनको काफ़ी सारा प्रॉब्लम था, जैसे वीकनेस, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस फॉर्मेशन, बर्निंग इंचुरेशन, लम्बैगो, ट्रेमर और कोलीलिथियासिस 21 mm। ये हमारे क्लिनिक से ट्रीटमेंट अप्रोक्स 3 मंथ से ले रही हैं। उसके पहले दीपी किट ऑनलाइन ली हुई थी और इनको अभी इन सभी बीमारियों में, जैसे वीकनेस में सुधार है, इंडाइजेशन में सुधार है, गैस फॉर्मेशन में सुधार है, बर्निंग इंचुरेशन में सुधार है, कमर दर्द में सुधार है, जो और बाकी सब चीज़ों में सुधार है। तो हम मैडम से बात करेंगे। जी मैडम बताइए। जी, पहले से बहुत ठीक है। काफ़ी वीकनेस महसूस होती थी हमको, लेकिन हम ठीक हैं अभी। पहले से बहुत ठीक है, इनकी दवाई से हमको बहुत सुधार हुआ। आपको कहाँ से जानकारी मिला यहाँ के बारे में? हम टीवी पर देखे थे। जी, उसके बाद आपका किट आया था जी और किट आने के बाद फिर आपको यहाँ जी क्लिनिक। यहाँ क्लिनिक के बारे में हमको पता चला कि मुजफ्फरपुर में, हम भी मुजफ्फरपुर के वासी हैं, तो फिर आके हम यहाँ पर मिले आपसे, आलोक जी से। उसके बाद दवाइयाँ ली, उनको दवाइयों से काफी फायदा महसूस हुआ। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी, देश के लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे कि जो है तो आयुर्वेदिक में बहुत शक्ति होती है, और हम अगर खाएं तो हर तरह से हम लोग ठीक रहेंगे और काफी दिन तक हम लोग ठीक रहेंगे। इसीलिए मैंने अंग्रेजी दवाइयां ना खा के आयुर्वेदिक दवाइयों को खानी चाहिए। आचार्य मनीष जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वे काफी अच्छे इंसान हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं हमारे भारत के लिए, देश के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, हर आदमी ये सब कर नहीं कर पाता है जो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे वो आगे भी इसी तरह करते रहेंगे सारे काम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमारे आपके संस्था से लिए जुड़ने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम लोगों को भी खुशी होती है कि हमारे पेशेंट ठीक होते हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं होती है। और आचार्य जी के संस्था के डॉक्टर होने के नाते मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आचार्य जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते।